सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक श्रीमती अर्चना रामसुंदरन, हमारे विभिन्न सीएपीएफ के महानिदेशकगण, पूर्व महानिदेशकगण और भूटान के भारत में राजदूत जनरल श्री वी नामग्याल और नेपाल के आर्म पुलिस फोर्स के प्रमुख श्री दुर्जय कुमार राय, हमारे सशस्त्र सीमा बल एवं अन्य सीएपीएफ के अधिकारीगण, हमारे बहादुर अधिकारी सशस्त्र सीमा बल के और मेरे जवानों और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सबसे पहले मैं आप सबको सशस्त्र सीमा बल के 53वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उन बहादुर जवानों के सम्मान के साथ नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसके पहले भी मैंने सशस्त्र सीमा बल की परेड देखी है और संभवतः दूसरी बार सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर इस परेड को देख रहा हूं। मैं इस सच्चाई को यहां बयां करना चाहता हूं, इसके पहले जब मैंने सशस्त्र सीमा बल के परेड को स्थापना दिवस के अवसर पर देखा था तो पता नहीं क्यों, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार सशस्त्र सीमा बल का परेड कहीं मुझे बेहतर नजर आया है, बहुत शानदार नजर आया। यह हो सकता है कि विगत एक वर्षों में सशस्त्र सीमा बल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, अपने दायित्व का निर्वाह किया है, उसके कारण इस बल के प्रति मेरे मन में एक सम्मान हो, शायद उस कारण लग रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से लगा है कि आपका यह परेड बहुत ही शानदार रहा है। और इस शानदार परेड के लिए मैं सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों को बधाई देता हूं, जवानों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सदस्यों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा के साथ साथ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सीमाओं के ऊपर चलती हैं और आपराधिक गतिविधियां चलती हैं उनको रोकने की बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस बल के अधिकारियों को और जवानों को कि पहले की अपेक्षा कहीं सशस्त्र सीमा बल पर हिंदुस्तान की जनता का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। 2450 किलोमीटर की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह करना, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी दक्षता के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना, यह कोई छोटा काम नहीं है। और मैं कह सकता हूं इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह हमारा यह सशस्त्र सीमा बल कर रहा है। चाहे जिस भी प्रकार की चुनौतियां सीमाओं के ऊपर आती हैं, उन चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करने में भी पूरी तरह से कामयाबी हासिल करते हैं। और भारत भूटान और भारत नेपाल के बीच के रिश्ते सामान्य रिश्ते नहीं हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं, मित्रवत। हम अपना देश नेपाल को भी मानते हैं और भूटान को भी मानते हैं, इसीलिए कहीं पर भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर कोई फेंसिंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से खुली हुई सीमा है। आवाजाही पर भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है।
बेरोक टोक लोगों के आने जाने का सिलसिला भी चलता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी ताकतों को पहचानना, उन्हें चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, यह कोई और साथ ही साथ आपराधिक जो तत्व हैं उनके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाकर रखना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना यह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। जैसा आपके महानिदेशक ने कहा कि कोई डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग सशस्त्र सीमा बल का नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग सशस्त्र सीमा बल का न होने के बावजूद आपने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रयोग कर असामाजिक तत्वों को और राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने में भी काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। और जो भी आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं इंटेलिजेंस विंग अलग से न होने के बावजूद, आप अपनी पीपल फ्रेंडली जो आपकी इमेज है, दोस्ताना रिश्ते लोगों से बनाकर रखने की जो आपकी एक छवि है, उसके कारण आप तरह तरह की सूचनाएं अपराधियों के संबंध में अथवा राष्ट्र विरोधी ताकतों के संबंध में प्राप्त करने में आप कामयाब होते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण और समर्पण के कारण एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपको केवल भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की ही जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है माओवादी क्षेत्रों में भी आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। आपदा प्रबंधन हो, उसमें भी आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हैं। और आप जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल की 2 बटालियन इस समय एनडीआरएफ में बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। और एनडीआरएफ कुछ वर्ष पहले जिस एनडीआरएफ का नाम लेने पर लोग पहचान नहीं कर पाते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि एनडीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आज सामान्य व्यक्ति भी यह समझने लगा है कि एनडीआरएफ क्या है, क्योंकि एनडीआरएफ ने भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ विगत वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और लोगों का विश्वास जीतने में भी कामयाबी हासिल की है। उग्रवादी क्षेत्रों में भी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। आपदा प्रबंधन के मामले में तो जब नेपाल में बाढ़ आई थी तो स्वयं मुझे टेलीफोन करके बिहार के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के कार्य की सराहना की थी और यह कहा था बिहार के मुख्यमंत्री ने कि सशस्त्र सीमा बल ने बहुत ही प्रभावी तरीके से और जिम्मेदारना तरीके से अपनी जिम्मेदारी अपनी दायित्व को निभाया है। मुझे जानकारी है कि जब कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा था तो हमारे सशस्त्र सीमा बल की भी के जवान वहां गए थे। थोड़ी शांति आने के बाद यह हुआ कि सशस्त्र सीमा बल के जवानों को अब वापस बुलाया जाए और महानिदेशक से जब बात हुई और महानिदेशक ने वहां के अधिकारियों और जवानों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि यदि आपकी इजाजत हो तो हम कश्मीर में अभी रुकना चाहते हैं और रुक कर और जो इस प्रकार की राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, यह सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और जवानों ने अपने महानिदेशक से कहा था। गौरव के साथ मेरा मस्तक ऊंचा हुआ है, मेरे जवानों आपने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आपकी प्रभावी भूमिका तो रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण से संबंधित भी कार्यों का संपादन आपके द्वारा समय समय पर होता रहता है। मुझे जानकारी है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी आपने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है, चाहे वह प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सब में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि 489 किलोमीटर की साइकिलिंग भी
लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आपने की है। आज जब मैं परेड देख रहा था, मैंने देखा कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। उनकी परेड में भी हमको कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई दी है। और आज के हालात तो इस प्रकार बन गए हैं कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर, बीओपीस पर, हमारी सशस्त्र बल की सीमाएं भी, हमारी महिला जो यहां की सशस्त्र सीमा बल की हैं महिला कर्मी, वो भी अपनी तैनाती चाहती हैं और वहां पर अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर रही हैं। और उसे जेंडर फ्रेंडली बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है, नहीं महिलाओं की सुविधा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है, मैं यह मानता हूं कि उसमें कमी है, उसे और अधिक बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से यह भरपूर कोशिश करूंगा कि ऐसी बीओपी जहां पर महिलाएं तैनात होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ और सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाए। आपकी महानिदेशक श्रीमती अर्चना राम सुंदरन ने यह भी कहा है कि 145 छात्राओं के लिए एक एजुकेशनल टूर का आयोजन किया गया। देश के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल थे, उन्हें देखने का अवसर उन 145 छात्राओं को प्राप्त हुआ। वहीं पर हमारा देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, इसकी भी जानकारी उन सभी बच्चों को दी गई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं महानिदेशक को भी, सारे अधिकारियों को भी, सशस्त्र सीमा बल को भी, कि नारी सशस्त्रीकरण की दिशा में भी इस बल ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आपके महानिदेशक ने एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग की बात कही है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक मैं विचार करूंगा अपने अधिकारियों के साथ बैठकर, अपने सहयोगियों के साथ बैठकर। और हमारी कोशिश यह होगी कि यह इंटेलिजेंस विंग एक डेडिकेटेड सशस्त्र सीमा बल को उपलब्ध हो जाए, इसके लिए मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। सशस्त्र सीमा बल ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग समेत तरह तरह की जो स्मगलिंग्स होती हैं, उनमें भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। सचमुच मुझे इस बात का फक्र है कि इस वर्ष 274 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री को बरामद करने में आप लोगों ने सफलता हासिल की है। और इतना ही नहीं, कई स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और कई नागरिक, निर्दोष नागरिकों को उनके चंगुल से छुड़ाने में भी आपने कामयाबी हासिल की है। मैं यहां फिर से महिलाओं का इस उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई यूएन, यूनाइटेड नेशंस पीस कीकिंग मिशन का भी ये महिलाएं हिस्सा बनना चाहती हैं। और इसी साल यूएन मिशन की फीमेल फार्म जो यूनिट थी उसका वो हिस्सा बनने को तैयार थी, लेकिन इस बार दूसरे बल को यह अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में सशस्त्र सीमा बल को भी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का अवसर प्राप्त होगा। सशस्त्र सीमा बल के बारे में मैं यह कह सकता हूं, यह एक ही काम नहीं करते हैं, बल्कि इनकी भूमिका बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। यदि सशस्त्र सीमा बल को मैं मल्टी डायमेंशनल फोर्स कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं बधाई देता हूं सशस्त्र सीमा बल को इसके लिए भी कि एफएम रेडियो चैनल्स की मैंने बात इसके पहले की थी जब मैं आया था, और अधिकारियों के साथ जब बैठक भी हुई थी तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एफएम टावर भी तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं, इसके लिए भी उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं आश्वस्त हूं सशस्त्र सीमा बल के प्रति कि भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा पर आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। आज के अवसर पर
बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं विशिष्ट सेवाओं के लिए और सराहनीय कार्य के लिए जिन लोगों को आज पदक प्राप्त हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिन्हें भी सम्मानित किया गया है उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को और उनके शुभेच्छुओं को भी इस अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।